सब चालू है क्या? अरे हाँ, गुड। इधर भी स्टार्ट हो गया, हम शुरू कर सकते हैं। नमस्ते जी। गायत्री जी, टुम्पा जी, रवनीत जी, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन भी नहीं किया हुआ। सुखविंदर पाल जी, मैं देख पा रहा हूँ आप सबको। हाँ जी, तो 6 बजे वाली क्लास जो कि 6:15 से ऊपर हो गया है, और हाँ, हमेशा की तरह मैं लेट आया हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों ने वेट किया है, जिसके लिए अब तो क्षमा मांगने का मन भी नहीं करता, क्योंकि कितनी बार मांगूँ। ठीक है जी, आप सभी के मैसेजेस, बहुत लोगों ने आशक्तिपात लिया है बेटा जी। सपना गोयल, आपका ऑरा अच्छा है बेटा, लेकिन 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 थोड़ा अभी कमज़ोर मान सकते हैं इसको, बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, थोड़ा कम है, थोड़ा काम करना है, खुद पर ध्यान देना है। अगर इन दिनों गुस्सा वगैरह आ रहा होगा तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। मेघा जी नमस्ते। टुम्पा जी, सर मैंने जो पैसा किसी से निकालने का जो प्रॉब्लम बताया था, और प्लीज़ बताइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, अगर किसी से पैसे अगर बाहर निकालने हैं तो एक सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं, वो है मिदास स्टार। सभी लोग सुनना बेटा, ऐसे किसी से आएंगे आप लोगों के पास, मिदास स्टार का हम इस्तेमाल करते हैं, और मिदास स्टार के ज़रिए मिदास स्टार की ऊर्जा को हमें भेजना होता है फर्स्ट। और मिदास स्टार की ऊर्जा को हम कैसे भेजेंगे? होनशा जेशुनेन से कनेक्ट करके, होनशा जेशुनेन को हम कनेक्ट करेंगे और उस इंसान तक भेजेंगे, और उनके प्रति अच्छे भाव भेजेंगे, जो पैसा नहीं दे रहा है, कि जिस कारण से भी वो पैसा नहीं दे पा रहा है उनके जीवन में। दो रीज़न से कोई इंसान पैसे नहीं लौटाता, पहला या तो उसके पास पैसे नहीं है, दूसरा उसकी नियत नहीं है, है ना? दो ही रीज़न होता है। तो दोनों दोनों में से जो भी रीज़न है, अगर आप उस रीज़न को पूरा कर दें, अगर वो चीज़ को उनके मन में, उनकी आभा में, उनके जीवन में उस चीज़ को इम्प्लांट कर दें, तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। जनरली क्या होता है, जब कोई हमारा पैसा नहीं दे रहा होता तो हम उनको मन से, अपनी पूरी आत्मा से कहीं ना कहीं कोस रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भाव भेज रहे होते हैं, दुर्विचार भेज रहे होते हैं, बड़ा बदमाश आदमी है, बड़े बेकार लोग हैं, पैसा वापस नहीं करते, पैसा वापस ना करने का पैसा वापस करने का नाम नहीं लेते, इस तरह के बहुत सारे हम उन्हें अपशब्द भेजते हैं। फिज़िकल फॉर्म में अगर कभी तो तू मैं हो गई कहीं मार्केट में, आपने उन्हें नेकेट कर दिया कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं दिया, तो तब तो वो कभी नहीं देगा। लेकिन इमोशनल लेवल पे भी अगर आपने ये किया तो भी पैसे लेट ही होंगे। इनफैक्ट कहीं भी वो इंसान आपको देखेगा तो चेहरा मुँह चुराएगा, चेहरा छिपाएगा, मुँह चुराएगा। तो उस कंडीशन में हमें अपने हीलिंग के थ्रू उन्हें अच्छे भाव भेजने हैं। कैसे? कि परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में, इस इंसान के जीवन में सुख है, समृद्धि है, शांति है, इन्हें धन का लाभ हो रहा है, इनके जीवन में अच्छे पैसे आ रहे हैं, इनकी कमाई अच्छी हो रही है, इनका काम अच्छा चल रहा है, और अब ये अपने काम क्योंकि इनका अच्छा चल रहा था, अपने संबंधों को भी अच्छा बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ से भी इनकी कहीं छोटी मोटी भी उधारी है उसे ये चुका रहे हैं, इनकी उधारी भी इन्हें वापस मिल रही है। इन्होंने भी अगर कहीं पैसे दे रखे हैं तो उसे वापस करें, इनके सारे लोन ख़त्म हो रहे हैं और इनके संबंध सबसे अच्छे बन रहे हैं, है ना? संबंध अच्छा बनाने के लिए नियत अच्छी होनी ज़रूरी है, तो अगर आप संबंधों को हील कर देंगे तो उनकी नियत अपने आप अच्छी हो जानी है। तो इस तरह से हम अच्छे भाव अगर उनको भेजते हैं अपने मिदास स्टार्क से,
जब भी मिदास स्टार का जो भी इंसान मिदास स्टार का प्रयोग करेगा, जो भी हीलर मन के चलो, उनके हाथों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। मिदास स्टार प्रॉस्पेरिटी के लिए ही होता है, धन के लिए ही होता है। तो जितना आप प्रयोग मिदास स्टार का करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा, है ना बिटुम्पा जी? ये सोल्यूशन है बेटा इसका, करना। इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पर स्विच वर्ड्स, इंजन नंबर्स वगैरह भी अच्छे से हम उसमें ये करेंगे। इसको खुला रखिए ना मैडम। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने कमरे में लॉक कर दिया है मुझे। ठीक है ठीक है, हो गया जी। गायत्री जी कहते हैं, सर आज मेरा लेवल 1 का ट्रीटमेंट था, हेडेक हो रहा है थोड़ा, सर मेरा ऑरा कैसा है? गायत्री, आपका ऑरा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, बिल्कुल एक साधकों का जो ऑरा होना चाहिए वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं, तो हमें थोड़ा और प्रयास करना है, थोड़ा और अभ्यास करना है। और फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट हुआ है? हाँ बेटा, बहुत सारे साधकों को, बहुत सारे जो हीलर्स होते हैं, शक्तिपात के समय हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, हाथ पैर में दर्द या हाथ पैर में जलन जैसी चीज़ें 24 घंटे के भीतर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर होता है वो नहीं सोख पाया होता है, नहीं चीज़ों को रख पाया होता है। तो इस वजह से, हाँ इस वजह से कभी कभी ये होता है, बहुत लोगों को हो सक हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता। मिंती जी कहते हैं, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप Q&A करो, अनम्यूट करके। बट ये करूँगा ना तो बहुत समय निकल जाता है, फिर भी क्योंकि पहले हम कर चुके हैं तो बहुत लोगों को तो मौका ही नहीं मिल पाता, और इनफैक्ट मुझे खुद को मौका नहीं मिल पाता बताने का, समझाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाएं बहुत लंबी हो जाती है। नीलिमा जी कहते हैं, सर मेरा अटूनमेंट अब तक नहीं हुआ है, सर प्लीज़ कंफर्म करें, लास्ट वीक की क्लास का मुझे कन्फर्म नहीं किया था। हाँ एक काम करना बेटा, अपने नंबर से आप भेजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा हमें, या एक बार कॉल में बात कर लीजिएगा। हो सकता है आपका नंबर शायद ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ होगा, इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कभी कभी कुछ हो जाता है। हम अपनी टेक्नोलॉजी को और अच्छा करते जा रहे हैं, दिन ब दिन और अच्छा करते जा रहे हैं, आने वाले कुछ समय बाद सब ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस के थ्रू नहीं होगा, ये सब AI के थ्रू होगा। तो आप लोगों को हम सिर्फ एक जगह कहीं पर करेंगे तो आपको हर तरीके से AI के थ्रू सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं सच बताऊं तो ये जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हाँ बोलने नहीं आ रहा, क्योंकि इस चीज़ की समझ मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें समझाया है कि बहुत जल्दी वो जो सॉफ्टवेयर तैयार करके हमें दे रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा सबके लिए, ताकि ऐसी कोई शिकायत किसी को ना हो। टुम्पा जी, आप सर मेरा ऑरा पहले से इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, ये बिल्कुल एक हीलर का ऑरा ही है, ऐसा ही होता है। यहाँ सबसे अच्छा ऑरा मैं जो देख पा रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरी दृष्टि है उसमें, दीपा जी का ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे है ना? स्वागता, खुद पे काम करना है, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करना है, और आ वीक है ना? सबको कुसुम जी कहते हैं, शक्तिपात का भोगा बेटा, हर बुध, हर गुरुवार को होता है और बुधवार को उसका मैसेज मिलता है। यदि आपको नहीं मिल पाया है तो एक बार फोन करके मैसेज करिए हमें, और तुरंत हम आपके नाम को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ेंगे। विमलेश जी कहते हैं, सर नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ विमलेश,
भावना जी मीटिंग स्टार्ट तो हाँ हो गई है सर। नमस्ते जी, नमस्ते, सबका नमस्ते है। नीलू जी कहते हैं, गुरु जी प्रणाम। आप तो ऐसे बताना चाहिए या नहीं पता नहीं, बट गुरु जी प्रॉब्लम हुआ इसलिए बोल रही हूँ। गुरु जी मेरा ग्रैंड मास्टर मास्टर वाला फेल नहीं। हाँ, बट गुरु जी प्रॉब्लम हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। गुरु जी मेरा मास्टर और ग्रैंड मास्टर वाला फाइल नहीं खुलता। मास्टर का तो क्लियर हुआ बट ग्रैंड मास्टर का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बेटा जी बहुत जल्दी इस पे मैं काम कर रहा हूँ, हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना अभी जो समय हमारा जो चल रहा है टेक्निकली ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, तो ये जान लीजिए जैसे ही ये पूरा होगा बेटा आप लोगों को जो नई चीज़ें हैं वो चीज़ें भी मिलेंगी। जो क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ पूरी होती है तो क्या होता है, नए लोगों को नई चीज़ों की तरह कुछ नए नए कोर्सेज और बन रहे हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों को मिलेगी। तो जो इस समय आप लोगों को दिक्कत हुई है उसके बदले आप लोगों को कंपनसेशन में मेरी बाकी चीज़ें भी जो हमारी वेबसाइट है, मेरी बाकी कोर्स या बाकी मेडिटेशंस जो कहीं ना कहीं पेड हैं वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो अभी कुछ दिन का वेट करना बेटा। लेकिन हाँ, इस बात ये जो आपने लिखा है ये मैसेज फॉर्म में भी लिखना, ताकि आज ही मैसेज में लिखना, ताकि आज के डेट में ही हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वहाँ भी लाइट जला देना बेटा जी। बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। देवश्री कहते हैं, मेरा प्रणाम गुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए मेरा ऑरा कैसा है और कौन सा चक्र ब्लॉक है। देवश्री बेटा मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा इसको, आपको मैं मैसेज फॉर्म में भेजवाऊंगा, ठीक है। दूसरा, सात चक्रों को हील करते समय ध्यान लगाना जरूरी है। हाँ जयराम जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। सातों चक्रों को हील करते समय क्या ध्यान लगाना ज़रूरी है? नहीं, आप केवल हील कीजिए, ध्यान अपने आप लग जाएगा। क्या किताब पढ़ते समय ध्यान लगाना ज़रूरी है किताब पर? नहीं, आप किताब पढ़ना शुरू कीजिए, किताब में ध्यान लगाना शुरू हो जाएगा। क्या खाना बनाते समय खाना बनाने में ध्यान लगाना ज़रूरी है? नहीं, आप सिर्फ खाना बनाना शुरू कीजिए, ध्यान से खाना बनाइए और खाना बनाने में ध्यान लग जाएगा, है ना। तो आप जो कर रहे हैं जो जिस चीज़ पे उस पे ही बस अपना पूरा ध्यान लगाइए, ध्यान अपने आप लग जाएगा। हम कोई भी काम को हम करते करते एक ट्रांस में चले ही जाते हैं, एक जोन में हम चले ही जाते हैं, जोन आउट हम हो जाते हैं। तो ये करना नहीं होता, ये हो जाता है। मतलब ध्यान एक तितली है जो आके बैठ जाती है ना। जश कौर जी कहते हैं, नमस्ते गुरु जी, मेरा अटेंडमेंट 2 वीक पहले हुआ था। अटेंडमेंट के बाद सारी लाइफ ही चेंज हो गई है। प्रॉब्लम ही आ रही है। मेरे पार्टनर से बहुत फाइट होती है, मेरी लेग भी पेन करती है, बहुत फीवर भी हो गया था मुझे, फिर मेरी बेटी बीमार हो गई। मैंने सुमन जी से बताया कि पैर पर रिप्लाई नहीं आ पाया, कैन यू गाइड मी। हाँ बेटा देखो, प्रीति मैडम है क्या वहां पर? प्रीति मैडम है क्या यहाँ पर? सुनिए मैम, हर लेवल पे जो पहला वीडियो होता है कि उसमें क्या होता है, उसके बाद सेकंड वीडियो जो है ना फॉरगिवनेस प्रेयर लगा देंगे हम। अच्छा, कर्म शुद्धि के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर। हाँ, यह एक काम करते हैं, हीलर्स के लिए एक और फॉरगिवनेस प्रेयर मैं बना देता हूँ, उसको लगा देंगे। क्योंकि देखिए, इस बच्ची ने अटेंडमेंट लिया 2 हफ्ते पहले, उसके बाद उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उमड़ के आ गए,
पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, खुद बीमार हो गए, बच्ची भी बीमार रही और पैरों में दर्द रहा, ये सारी चीज़ 2 हफ्ते में हुई। मतलब समझ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में बहुत लंबे समय चीज़ में होना चाहिए था वो एकदम से कम समय में आके सिमट गया। शक्तिपात जैसे ही उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जैसे ही उनको एक शक्तिपात मिला, जैसे ही वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते थे, उनके सारे कर्माज आके उनको रोक दिए, सारे कर्माज उन्हें जकड़ लिए, अब वो स्ट्रगल कर रही है। तो इस समय क्या करना चाहिए एक हीलर को? फॉरगिवनेस प्रेयर, हाँ, कर्म शुद्धि के लिए जो प्रार्थना होती है, मतलब कि रोज़ सुबह वो अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करेगा और रात को सोने से पहले अपना प्रेयर करेगा, खासकर फर्स्ट लेवल वाले लोगों को। जब भी कभी किसी को शक्तिपात के बाद जीवन में उतार चढ़ाव आया, इसका मतलब साफ ये है कि वो जो जो कर्म थे जो बहुत लंबे समय में धीरे 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 कटने थे, वो बहुत कम समय में कटने शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ हमारे जब हम लोग खुद सीख रहे थे तो उस समय भी ये प्रॉब्लम्स आती थी, और तकरीबन हर बैच में ये चीज़ आती ही है ना? तो इसको करेंगे हम। जी बेटा जी, जस्ट जी, ये आपको आज ही वो प्रेयर भेजाएंगे, है ना? तो उस प्रेयर को करना शुरू कीजिएगा और बहुत जल्दी राहत मिलेगा, 3 दिन में ही राहत मिलेगा आपको। नमस्ते गुरु जी, आज मेरा फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिस पूरा हुआ, बहुत सारी बधाइयाँ। स्वागता जी, फर्स्ट लेवल का पूरा हो गया है, तो अब इस पूरे हफ्ते वेट कर लेते हैं और अगले हफ्ते लेंगे नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट। मुन्ना जी कहते हैं, हेलो सर, मेरा लास्ट वीक ग्रैंड मास्टर अटेंडमेंट हुआ था, आपको क्या फील हुआ? मेरा अटेंडमेंट क्या फील हुआ? और सारा सिंबल ड्रॉ करने करना है क्या 7 चक्र पे? बेटा सारा सिंबल्स लेवल 1 से लेकर ग्रैंड मास्टर तक के सारे सिंबल्स को हवे में ड्रॉ करना, हवे में ड्रॉ करके अपने हाथों में इस तरह से बुलाना, है ना? और उसी सारे सिंबल्स को एक एक करके 7 चक्र में हमें रख करके वही 3-3 मिनट की हीलिंग पूरी करनी है, ठीक है जी? ललिता देवी कहते हैं, सर एक लेवल क्या बिजली गई क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना? जी सर, ठीक, वो बादल गरज गया तो मुझे लगा कुछ हो गया। सर एक लेवल में एक ही शक्तिपात लेना चाहिए क्या? हाँ बेटा, एक लेवल के लिए एक ही शक्तिपात की आवश्यकता होती है। शक्ति जी कहते हैं, सर मेरा ऑरा कैसा था? सेकंड क्वेश्चन, जब 21 डेज रेकी हीलिंग करनी है सेल्फ सेल्फ 7 चक्रा की, तो उसमें एक सिंगल सिंगल चक्रा की रेकी करनी है, या जैसे वीडियो में बताया है दो दो, जैसे रूट चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र? नहीं बेटा, सिंगल सिंगल। अगर अभी देखो वो शॉर्टकट है, जब हम करीब 60 दिन, मतलब कि कम से कम एक दो लेवल को हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब हम ग्रैंड मास्टर में जाते हैं, तब ये कर सकते हैं, बट वो शॉर्टकट है। कभी अगर समय नहीं हो पाया तब उस कंडीशन में 2 चक्रास पे एक साथ रख के करेंगे, जैसे समय का अभाव है तो। समझे रवनीत जी? हालांकि शक्ति जी का क्वेश्चन है, रवनीत समझ में आया ना? अगर समय का अभाव है तब 2 चक्र पे एक साथ हाथ रखेंगे, नहीं तो सिंगल सिंगल चक्र पे ही करना है ना? तो सिंगल सिंगल चक्र पे ही करना है। सुनो तो मानसी, 1 मिनट के लिए आ सकते हैं क्या? वो कंप्लीट इसको कैसे करेंगे? सर कंप्लीट। हाँ।